गुम किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर सही को लग जाती है चोट। स्कूल में खेल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर सही खेल रही होती है और रजत का ध्यान नहीं रहता है, वो गिर जाती है। सभी उसे आकर बहुत जल्दी से उठा लेती है और रजत तब फोन रख देता है जब देखता है सही को गिर गई है, तो आता है उसे और सभी उसकी फर्स्ट एड बॉक्स करती है। सही की फर्स्ट एड होने के बाद रजत कहता है कि डॉक्टर के पास चलना होगा, चोट बहुत लग गई है। सभी कहती है फर्स्ट एड कर दिया है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बच्चों को ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। सही भी कहती है कि डॉक्टर के पास मैं नहीं जाऊँगी, वह सभी इंजेक्शन लगा देते हैं, बहुत डर जाती है सही। रजत कहता है ठीक है डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे लेकिन घर तो चलना है ना, वो उसे गोद में उठा लेता है और घर ले जाने लगता है। सभी का हाथ पकड़ते हुए सही भी उसे खींचने लगती है, उसके हाथ में जो ब्रासलेट होता है वो छूट जाता है, सही के हाथ में चला जाता है। दोनों लोग घर जाते हैं, सभी कहती है मुझे भी आप ले चलिए, मैं भी चलती हूँ साथ में, सही रहेगी तो मैं उसे संभालूंगी, आप गाड़ी चला लीजिएगा। उसके बाद दोनों लोग घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ईशा और रजत की माँ दोनों लड़ाई कर रही होती हैं। सभी कहती है कि मैं देखती हूँ, मैं इन दोनों को शांत करती हूँ, आप चुपके से तब तक आ जाइए पीछे से और सही को सुला दीजिएगा। सभी जाती है और ईशा को बुला कर कहती है आई आप यहाँ क्या कर रही हैं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ईशा कहती है क्या जरूरी बात करनी है, उसे लगता है कि वो रजत के बारे में बात करेगी, लेकिन सभी आती है उसे लेकर कहती है आप चाय बनाइए मैं फूलों को पानी दे देती हूँ। पानी डालते हुए रजत को इशारा करती है, तभी ईशा देख लेती है, ईशा कहती है कि ये रजत को इशारे क्यों कर रही है और ऐसा भी क्या हो गया है, मुझे बता क्यों नहीं रही है उसके बारे में, और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और वो खुश हो जाए, वो सारे खुशी डिजर्व करती है। वो रजत को ये नहीं जानती है कि रजत ठक्कर यानी कि जो जिससे वो रोज़ लड़ाई करती है उसका बेटा है। अभी सभी कहती है कि मैं अगर रजत को के बारे में से बताऊंगी आई को तो बहुत ही ज़्यादा महाभारत हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बताती है। उसके घर उसकी कज़न सिस्टर आई होती है, वो किस लड़के से बात कर रही होती है। सभी कहती है कौन था वो, उससे पूछती है लेकिन वो नहीं बताती है और वो कहती है आप बताइए आप जिससे बात की थी उसे मिलने जाएंगी। सभी कहती है हाँ। यहाँ पर सभी तैयार होती है, जाती है कॉलेज के लिए, निकलती है स्कूल के लिए, तब ऋषा कहती है मैं तेरे लिए टिफिन लेकर आऊँगी। सभी कहती है आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी खाने के लिए, सब चीज़ लेकर जाने लगती है। रजत अपने फ़ोन पर बात करते हुए निकल जाता है और लिफ्ट में जाने लगता है, लिफ्ट बंद कर देता है। सभी कहती है लिफ्ट खोलो प्लीज़, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज़। रजत उसका हाथ पकड़ कर उसे खींचना चाहता है लिफ्ट के अंदर, लेकिन लिफ्ट तब तक बंद हो जाती है, तुरंत खोल देता है रजत और उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सभी भी उस लिफ्ट में घुस जाती है। सभी लोग हंसते हैं और अच्छा मिसबिहेव करते हैं, सभी गिरने वाली होती है तो रजत उन लोग को डांटता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम लोग पब्लिक प्लेस में अपने घर के ग्राउंड में नहीं मुझे पार्टी कर रहे हो, बताओ क्या बात है, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, मुझे भी हंसता है, मैं बहुत दिन से हंसा नहीं, बताओ क्या बात है। सभी लोग सॉरी बोलकर चुप हो जाते हैं। यहाँ सभी के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाता है और रजत के ऊपर, दोनों लोग साफ करके निकल जाते हैं। सभी कहती है मिस्टर ठक्कर मुझे आपसे कुछ बात करनी है सही के बारे में। रजत कहता है कि बताइए क्या बात करनी है, बहुत शोर होता है वहाँ पर। वो कहती है कि सही के बारे में मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ऐसे जगह पर हम बात नहीं कर सकते जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। रजत कहता है ठीक है कहीं दूसरी जगह मिलते हैं। सभी कहती है कॉलेज के बाहर एक कॉफ़ी शॉप है वहाँ पर मिलते हैं। रजत कहता है ठीक है मिलते हैं, चलो ठीक है बाद में। उसके बाद लंच में दोनों लोग मिलते हैं। सभी कहती है मैं ये बात आपको पीटीएम में भी बता सकती थी यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सभी सही बहुत ही स्पेशल बच्ची है, जो भी उसे देखता है या मिलता है उसे लगाव हो जाता है, एक अलग ही बॉन्डिंग होता है उससे। मैं जानती हूँ आपके परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते हैं और आप पत्नी, लेकिन उसकी माँ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और उसे अच्छे से उससे बात कीजिए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। वो बहुत ज़्यादा इतना सुनती है बहुत ज़्यादा रजत गुस्सा हो जाता है, कहता है आप मुझे मत सिखाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और मेरी बेटी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, सही मेरी बेटी है, मुझे पता है वो कैसी है कैसी नहीं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वो पूरे परिवार में रहती है, आप उसकी टीचर है ना तो टीचर ही बनकर रहिए, माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। सभी कहती है मैं उसकी माँ नहीं बन रही हूँ, मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी बच्ची है लेकिन उसकी आंखों में मैंने एक अलग सी उदासी देखी है, तो आपके साथ जब वो रहती है तो उदासी ख़त्म हो जाती है। रजत कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, तभी वो वहाँ गुस्सा, सभी कहती है मुझे आपके निजी मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बच्ची बहुत ही प्यारी है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा।
वापस ईशा भी आ जाती है। ईशा देखती है कि सभी और रजत की बात हो रही है, तो कहती है कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, और पप्पा करें कि जल्दी ये एक हो जाए। तो देखते हैं सभी और रजत एक होते हैं या फिर नहीं। और सही की माँ का तो अभी दिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि सही को जब भी देखता है रजत तो बहुत गुस्सा आता है, उसकी माँ के बारे में सोचने लगता है। तो देखने इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या होता आने वाले एपिसोड में, क्या सही और रजत और सभी को मिला पाएगी।